140 करोड़ भारतीयों का एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। इस विकसित भारत के लक्ष्य के साथ भारत एम्बेसडर कला प्रतियोगिता में 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कला विभाग, जामिया विश्वविद्यालय और तमाम स्कूली बच्चे भागीदार बने। कार्यक्रम में प्रख्यात कलाकार, वरिष्ठ संकाय सदस्य और कला के क्षेत्र से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कूची के जरिए अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले 10 श्रेष्ठ विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। कला और संस्कृति उस अविरल धारा के वर्तमान में उसके प्रतीक है। अब अगर आप यहाँ जो ये पेंटिंग्स अनायास निकल के आई हैं, इसमें आप एक नज़र डालें तो विकसित भारत की बात भी हो रही है और उस विरासत की बात भी हो रही है। तो इस कला में विरासत भी है और विकास भी है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे अधिकांश बच्चों ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को अपनी कूची के माध्यम से कैनवास पर उकेरा। इस आर्ट कंपटीशन में आने के लिए सभी लोगों ने विकसित भारत एम्बेसडर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 100 डेज चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट किया, नमो ऐप को डाउनलोड करके किया और एक संकल्प लिया कि हम 100 डेज चैलेंज में माननीय प्रधानमंत्री जी की उस आठ विकसित भारत एम्बेसडर आठ योद्धा के रूप में हम काम करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे स्वच्छता के साथ आर्ट को प्रमोट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत के विकसित भारत की संकल्प और सपने को पूरा करेंगे। कला से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने इस कार्यक्रम को मील का पत्थर बताया, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर से राम से लेकर आदित्य L1 तक को अपनी कला का विषय बनाया। इतनी बेहतरीन कलाकृति इन लोगों ने कम समय पर, बहुत कम समय, जो कला एक अच्छा कला बनाने में काफी समय लग जाते हैं। हम लोग कैंप करते हैं, आर्टिस्ट के कैंप में तीन दिन चार दिन लग जाते हैं और कम समय पर जो जो स्ट्रोके हैं, जो कलर अप्रोच हुआ है, छोटे से लेके बड़े तक, वो बाकी ही देखने लायक है। साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसे बनाने में देश के सभी नागरिकों का योगदान होगा। इसी संकल्प के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ। नई दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD News।